यहाँ पर मेहंदी सेरेमनी चल रही है, सारे लोग डांस पे लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूल्हे के साथ एक दो लड़कियाँ ही बैठी हैं जो मेहंदी लगा रही हैं, बाकी सारे लोग डांस में इंजॉय कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे से होंगे। तो दिन के लगभग 8:30 बजने वाले हैं और आज है गांव में शादी और जहां मैं भी जा रहा हूं। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो शादी वाला ब्लॉग होगा। तो इससे पहले कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में।
यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ी पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार आज भी हमारे गांव में जब भी शादियां होती हैं तो इस प्रकार से खाना बनाया जाता है और सारे लोग एक जगह पे बैठ के दाल भात सब्जी जो भी होता है खाने में वो सारा परोसा जाता है। ये देख सकते हैं कि सारे लोग एक लाइन पे बैठे रहते हैं और उनको पंडित जी भोजन करवाते हैं। तो ये हमारे पहाड़ की परंपरा है जो कि आज भी चली आ रही है। देख सकते हैं सामूहिक भोजन हो रहा है सबका। तो यहाँ पर अब दूल्हा दुल्हन सात फेरे ले रहे हैं। तो यहाँ पर सारे लोग जो दूल्हा दुल्हन सात फेरे ले रहे हैं तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं पंडित जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन सात फेरे ले रहे हैं। Thank you.
अब जब अगला दिन हो जाता है, शादी पूरी हो जाती है, तो दूसरे दिन हमारे पहाड़ों की जो रीति रिवाज हैं उसमें सबसे पहले दूल्हा दुल्हन अगली सुबह गांव के धारे में जाते हैं जहां पूजा करते हैं, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में धारा पूजा कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं दुल्हन ने धारा जो पूजा है वो पूरी कर ली है और उसके बाद एक बर्तन पानी का अपने घर की ओर ले जाते आज हैं। आज का शादी वाला ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।